कैसे हो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नोकिया 3 डिवाइस के बारे में। जी हाँ, नोकिया 3 डिवाइस में जो है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट आ गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में इस अपडेट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे एंड फ्रेंड्स आपको अपडेट कैसे लेना है इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए नए विजिट करें तो आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। एंड फ्रेंड्स, पिछले दो दिनों से वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, इसके लिए फ्रेंड्स आप सभी के पास बहुत बहुत सॉरी है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, आज जो है मैंने एक नया इंट्रो ऐड किया मेरे वीडियो में, तो फ्रेंड्स इस इंट्रो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, नोकिया 3 डिवाइस में जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट आया है काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है फ्रेंड्स। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है एंड नोकिया 3 को जो है लॉन्च होते हुए अभी 2 साल हो चुका है। 2017 में जो है ये डिवाइस लॉन्च हुआ था एंड पिछले साल जो है 2018 के दिसंबर में जो है इसमें ओरियो अपडेट भी आ चुका था। तो फ्रेंड्स, नोकिया की तरफ से जो प्रॉमिस किया गया था ये प्रॉमिस रखा जा रहा है। जी हाँ, एंड 2 साल के बाद भी जो है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है गूगल की जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है कंटिन्यू रखा गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात, नोकिया 3 इयर्स के लिए गुड न्यूज है। आप अपने डिवाइस के सेटिंग ऑप्शन में जाइए एंड सबसे नीचे आपको अबाउट फोन के सेक्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करिए, आपको जो है अपडेट मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर पता नहीं है अपडेट आया है या नहीं, तो फ्रेंड्स अगर आपके डिवाइस में अभी तक अपडेट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 2 दिन और वेट कीजिए। अपडेट IMEI नंबर की बैच वाइज मिलता है, आपको कुछ दिनों के अंदर जो है अपडेट मिल जाएगा। अपडेट का जो साइज है फ्रेंड्स 101 MB, जी हाँ 101 MB इसका साइज है, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है। आपको जो है अपडेट करने में लगभग 5 से लेकर 10 मिनट टाइम लगेगा अपडेट में। जी हाँ, अपडेट में ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो है वही है जो पहले है, अपडेट के बाद भी आपको वही देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको परफॉर्मेंस में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा एंड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो है मार्च की सिक्योरिटी पैच के साथ आपको दिया गया है। जी हाँ, मार्च की 2019 की जो है मार्च की फर्स्ट मार्च की जो है सिक्योरिटी पैच के साथ आपको अपडेट दिया गया है नोकिया की तरफ से। और एक प्रॉमिस किया जा रहा है, तो ये प्रॉमिस अगर रखा जाता है तो फ्रेंड्स नोकिया यूजर्स के लिए जो है बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है और एक न्यूज निकल के आ रहा है, वो है एंड्रॉयड पाई अपडेट के लेकर। जी हाँ, 2019 की जो है Q2 में जो है आपको एंड्रॉयड पाई देखने को मिल सकता है, एंड्रॉयड पाई देखने को मिल सकता है नोकिया 3 डिवाइस में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नोकिया की तरफ से एक न्यूज निकल के आया है, नोकिया 3 डिवाइस में जो है 2019 के Q2 में एंड्रॉयड 9.0 पाई अपडेट देखने को मिल सकता है। इसके बारे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है एक लीक निकल के आया है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर और कुछ डिटेल्स निकल के आता है और कुछ न्यूज़ निकल के आता है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल के ऊपर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपकी अपडेट की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आज इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।